ये बदलाव कैसे लाएं, अपने आदत को कैसे छोड़ें। सबसे पहले कोई भी हमें काम दिया जाता है ना, जो हमें टफ लगता है, जो डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है, हम कहते हैं भाई हम नहीं कर सकते। पहली बात तो यही माइंड में आती है। अगर मैं किसी को कहूँ कि यार ये पूरा कोर्स आप डेढ़ माह में तैयार कर, तो सबसे पहले ये बात कहता सर इट इज नॉट पॉसिबल, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, लेक्चर भी नहीं किया, कॉलेज नहीं आया, ट्यूशन भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो सबसे पहले वो जो है क्या वो ऐसा नाता है, मैं नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे ये कहूँ इस वक्त कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो आप सबसे पहले जो बात कहेंगे ना कि हम नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। मैं कहूँगा यहाँ से लाहौर पैदल चले जाओ, आप ये चीज नहीं कर सकते। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली कि चेंज जो है वो क्या है, ये बदलाव क्या है। बदलाव बच्चे मैंने जहां तक स्टडी किया है सिर्फ दो किस्म का इंसान है, इसके अलावा कोई और शय है ही। कुछ चीजें इंसान ये समझता है कि डाउट में होती है, शक और शुबहात में होती है, मगर इस चीज में कोई शक नहीं है कि सिर्फ चेंज दो किस्म के हैं, बदलाव इंसान में दो ही किस्म के हैं। एक चेंज में पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव को सबसे पहले डिस्क्राइब करूंगा कि नेगेटिविटी इंसान की सबसे पहले, जैसा कि आजकल सर्दियां हैं, इस तरह के साथ काफी लगाव होगा, उठने को दिल नहीं करता सुबह सवेरे, तो क्या है कि पहले तो उठने का दिल नहीं करता, और जिस बात पे दिल नहीं करता उसको कहते हैं नेगेटिविटी। जिस बात पे दिल नहीं करता उसको क्या कहते हैं, नेगेटिविटी। अगर इसको सेंटेंसेस के हवाले से देखें तो नेगेटिविटी वहां पर आती है जहां पर फिकरात के अंदर नहीं का लफ्ज आता है। इसका लफ्ज आता है नहीं का। नहीं का लफ्ज अगर उठा दिया जाए तो ये फिर बाकी क्या बचता है, पॉजिटिव, मुस्बत। और जो मुस्बत जिंदगी के साथ रहते हैं वही दुनिया में कामयाब होते हैं। आज तक मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो जिंदगी में कामयाब हुआ हो और उसका किरदार मुस्बत हो, उसका किरदार मुस्बत। यानी कि कोई नेक इंसान है तो वो चाहे चला भी जाएगा उसका किरदार बाकी रहेगा, लोग कहेंगे अच्छा आदमी था क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी, उसके अंदर पॉजिटिव चीजें थी। यही बात हमारे बिल्कुल दिमाग के साथ दिया है। हम लोग सोचते हैं कोई भी टारगेट हमें दिया जाता है तो हमें मुश्किल लगता है, हम सबसे पहले कहते हैं यार आई कैन नॉट डू इट। क्या कहते हैं, आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता इसे। भाई व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, तुम क्यों नहीं कर सकते। जो करते हैं वो क्या, पांच टांगे होती हैं, पांच हाथ होते हैं, दो सर होते हैं, छह दिमाग होते हैं, नहीं ना, बिल्कुल सेम लाइफ यू, आप ही की तरह होते हैं। तो अगर आप इस नॉट को अपनी लाइफ से क्रॉस कर दें, इसको फॉर्मेट मार दें, इसको अपनी लाइफ से निकाल दें, तो बाकी आपके पास बचेगा आई कैन डू इट। देन मामला साफ। हम लोग कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये सोचें, एक बात याद रखिएगा, लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना हो, कोई भी एम पूरा करना हो, किसी एम्बिशन पर काम करना हो, किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करना हो, कुछ भी करना हो, अपनी लाइफ में पूरा और फर्म बिलीव रखें आई शुड डू इट, मुझे करना चाहिए, आई शुड डू इट, मुझे करना चाहिए, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा। लेकिन होता क्या है, सबसे पहले यहाँ तो हम ये कहते हैं I should not do it. हमें नहीं करना है। I cannot do it. हम नहीं कर सकते। I will not do it. मैं नहीं करूँगा। तो अगर आप not को खत्म कर दें, तो आप लाइफ में याद रखिएगा अपनी सक्सेस को अचीव कर लेंगे। सक्सेस आपके पास है, सिर्फ कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। आपको जरा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस इसको खत्म कर दो, ये खुद ब खुद मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी। I can do it. I should do it. I will do it. I should do it. I can do it. I will do it. सिर्फ यही चीजें आपने समझनी है। बस एक चीज अपने अंदर पुख्ता कर लें, मुझे करना है मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है
मैं कर सकता हूँ सिर्फ बार बार अपने दिमाग से ही कबाब कहीं जाए बचे वक्त आएगा जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। मैंने देखा है बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं और फेल हो जाते हैं। मैंने देखा है बच्चे 2 माह पढ़ते हैं और 80% मार्क्स ले जाते हैं। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट को जब वो एफए का एग्जामिनेशन देते हैं तो पूरा साल पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं, रेगुलर क्लासेस लेने वाले। लेकिन क्या है कि जो सिर्फ 2 माह पढ़ते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और उनमें कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दिन को काम करते हैं और रात को पढ़ते हैं। वो भी ये सोच सकते हैं भाई मैं बच्चा तो मैं क्या करूं। वन ऑफ माई स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम्पल बयान करना चाहूंगा। एक स्टूडेंट था मेरा तो फिर वो एक शॉप पे काम करता था, रात को 7 बजे फारग होना और उसके बाद उसने 2 घंटे ट्यूशन पढ़ना, 2 घंटे ट्यूशन पढ़ना, ही गॉट 70% मार्क्स, उसने 70% मार्क्स लिए मैट्रिक के एग्जामिनेशन, और विद इन थ्री मंथ कैसे मुमकिन है? अगर उसने भी यही सोचा होता तो भाई बड़ा मुश्किल काम है, सारा दिन काम करके थक जाता हूँ, कैसे होगा, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, तो फिर वही फेलियर ऑफ लाइफ होना था, लाइफ में उसे फेल कर देना था, उसने भी नाकाम हो जाना था। तो बच्चे उसने एक बात जहन में बिठा ली थी, तो ये बात थी आई शुड डू इट, मुझे करना चाहिए, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट, मैं करूंगा। और जब उसने अपने दिमाग को ये कह दिया फिर वो जिंदगी में कामयाब हो गया। हम सबको भी यही चाहिए कि सिर्फ मार्क्स का लफ्ज अपनी लाइफ से स्किप कर दें, इसको डिलीट कर दें, इसको निकाल दें, परे फेंक दें, फिर आपके पास अचीवमेंट होगी, फिर आपके पास रिवार्ड होगा, फिर आपके पास अवार्ड होगा, फिर आपके पास क्या होगा, सक्सेस होगी, कामयाबी होगी। होप सो आपने सीखा।